वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एक्स जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। हमको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस सॉरी एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका रूट मेंशन है कि एक्स इक्वल टू 3 है। सो एक्स इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। सो इस इक्वेशन में कहीं पे के दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो के है। ठीक है, ये x इक्वल टू 3 इसका रूट है, दैट मीन्स ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको फिलफुल करता है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे LHS और RHS क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। सो आइए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो वी विल पुट x इज इक्वल टू 3। हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इन गिवन इक्वेशन, ओके आई विल राइट इन गिवन इक्वेशन। सो जो इक्वेशन गिवन है इसके अंदर हम लोग x इक्वल टू 3 ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है हमारा, के एक्स स्क्वायर देन है माइनस 10x और उसके बाद है प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पे 3 लिखने वाले हैं। जहां पे भी x दिख रहा है हमको सारे जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा के इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब है ये 3 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमको 3 लिखना था तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन माइनस 10 इंटू एक्स, एक्स मीन्स एक्स की जगह पे हमको 3 लिखना है। सो 10 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमने जहां पे x था वहां पे क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया। जहां पे भी x था वहां पे हमने 3 लिख दिया। अब इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या है 9। सो 9 इंटू के, दिस इज 9 के, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू के 9 के हो गया माइनस, देखो 10 इंटू 3 ये होता है 30, 10 इंटू 3 क्या होगा 30 हो जाएगा ये, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो न्यूमरिक वैल्यू दिख रहा है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस 30 एंड प्लस 3 दिख रहा है इसमें। सो प्लस माइनस माइनस होता है, सो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसका जो साइन आएगा वो ग्रेटर नंबर का आएगा, मतलब साइन किसका आएगा, माइनस का। सो 30 में से 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा -27, इट इज इक्वल टू 0। अभी जो 27 है इसको हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। इस 27 को क्या करेंगे हम लोग राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 के इज इक्वल टू, दिस इज 9 के इज इक्वल टू, राइट साइड में जब ये -27 जाएगा तो ये +27 बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये +27। सो ये हो जाएगा इक्वल टू 27। अब के साथ में जो नंबर 9 दिख रहा है इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो ये डिवाइड करेगा, के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है राइट साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा 27 को। सो ये हो जाएगा हमारा के इज इक्वल टू 27/9,
जाएगा के इज इक्वल टू 27/9। देखिए 9 के टेबल में 27 आता है, 9 3 27, सो डिवाइड करेंगे तो के का वैल्यू हमको मिल जाएगा 3। 9 3 27, सो वैल्यू ऑफ के क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। इस क्वेश्चन में हमको के का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये हमारा के का वैल्यू मिल गया विच इज 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे एंड हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।